आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2D। 2D में क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बहुपद P को बहुपद G से भाग दीजिए। ये PX है ना, इतना, और GX इतना, तो इससे इसमें भाग देना है। अब भाग देना तो आता ही है आप लोगों को, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, 3x² प्लस एक्स माइनस वन, और भाग देना है कितना, x प्लस वन से। अच्छा देखिए, भाग देते समय हम जब भाग देते हैं ना, बीजगणित में जब भाग देते हैं तो सबसे पहला पद जो होता है, जैसे ये, इसको गायब करते हैं। ये 3x² है, यहाँ पर हम कितनी बार ले जाएं कि इसमें गुणा करें तो 3x² मिले, तो 3x बार ले जाना पड़ेगा, है ना। 3x का जब इसमें गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 3x², लेकिन ये चूंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है तो 3x का इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर 3x, 3x का एक में गुणा करेंगे तो 3x, और ये हमेशा घटाया जाता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये प्लस था ना तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, अगर माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, ये तो कट गया, ये माइनस, ये प्लस। देखिए यहाँ प्लस है ना, अब ये चिन्ह नहीं रह गया इसका, 3x का ये चिन्ह नहीं रह गया, अब ये हो गया, तो ये 3x माइनस और ये प्लस, तो घट करके हो जाएगा माइनस 2x और माइनस 1। अब यहां पर माइनस है ना, तो सबसे पहला काम पहले हमको यहां पर माइनस कर देना है। अब उसके बाद पहला पद ही गायब करेंगे, पहला पद ही गायब करेंगे, तो 2x है, तो 2x है तो x में कितने का गुणा करें कि 2x मिलेगा, तो 2 का करना पड़ेगा, दो बार ले जाए तो यहां पर हो जाएगा, देखिए अब यहां माइनस 2 है, माइनस 2 से x में गुणा करेंगे तो माइनस 2x, और फिर प्लस 1 में माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 2, घटाएंगे तो यहां चिन्ह बदलेगा, यहां भी बदलेगा, ये कट गया, ये प्लस ये माइनस घटेगा और शेष बचेगा 1, ठीक है ना। तो यहां पर लिखना पड़ेगा भागफल बराबर 3x माइनस 2, शेष फल बराबर 1। बस एक फंडा रखिए ध्यान में कि हमको बस पहला पद ज्ञात करना है। हाँ एक चीज ये है कि जिसे यहां पर घटा दिए तो ऐसा नहीं कि बस सिर्फ 2x रखें, ये भी साथ में उतरता जाएगा। बीजगणित में सारे के सारे पद घटाने के बाद जितने ऊपर वाले पद बचते हैं सबको नीचे लिख दिया जाता है घटाने के बाद, ठीक। तो ये इस तरह से है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग अपने से करिए, डू योर सेल्फ अपने से करिए, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हुआ था ना उसी तरह से भाग देना है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहा हूं, तो ये है t³ - 3t² - t + 3 में भाग देना है कितने का, t² - 4t + 3, दोनों में प्लस 3 है ना, तो शुरुआत वैसे करेंगे, हमको पहला पद गायब करना है, पहला पद है इसमें t³ और यहां पर है t², तो t² में कितने से गुणा करें कि t³ मिले, टी से गुणा करना पड़ेगा, टी बार ले जाएंगे तो टी का जब इसमें गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा t³, फिर टी का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस है ना, 4t² हो जाएगा, 4t², फिर टी का टी में गुणा करेंगे तो 3t प्लस 3t, घटाएंगे तो यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा, ये तो कट गया, ये प्लस ये माइनस घटेगा, क्या हो गया t², यहां माइनस जुड़ जाएगा, माइनस 4t और प्लस 3। अब यहां प्लस है ना, प्लस 1 का इसमें गुणा करेंगे तो t² - 4t + 3,
माइनस प्लस माइनस पूरा कट जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे भागफल बराबर टी प्लस वन शेष फल बराबर जीरो, ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर फोर में है पी एक्स बराबर एक्स पावर फोर प्लस वन और जी एक्स एक्स प्लस वन, यानी कि इससे इसमें भाग देना है, जी एक्स का पी एक्स में भाग देना है। तो हमने यहां पे लिख दिया। अब शुरुआत वैसे करेंगे, यहां पर पहला पद क्या है, एक्स पावर फोर, एक्स पावर फोर है, यहां पर एक्स है, कितनी बार ले जाए कि एक्स में गुणा करने पर हमको एक्स पावर फोर मिलेगा, एक्स क्यूब बार ले जाना पड़ेगा ना, एक्स क्यूब का जब इसमें गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स पावर फोर, वन में भी गुणा करना पड़ेगा प्लस एक्स क्यूब माइनस माइनस कट गया। यहां पर देखिए इसका सजातीय पद इसमें ऊपर कुछ है नहीं, तो ये इसे अलग अलग लिखा जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन। अब यहां माइनस हो गया तो सबसे पहला काम माइनस लगा देंगे, एक्स क्यूब है तो एक्स में कितने से गुणा करेंगे एक्स क्यूब मिलेगा, एक्स स्क्वायर से, यहां पर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर बार, एक्स स्क्वायर के इसमें जब गुणा करेंगे तो मिलेगा माइनस एक्स क्यूब, फिर माइनस वन में गुणा करें, ये वन में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का तो माइनस एक्स स्क्वायर, घटाएंगे प्लस प्लस कट गया। अब ये मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब यहां प्लस है तो यहां पे प्लस हो गया, और एक्स स्क्वायर एक्स में कितने से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर मिलेगा एक्स से, यहां मिल गया एक्स स्क्वायर, और फिर वन में गुणा करेंगे तो प्लस एक्स माइनस माइनस कट गया, यहां हो गया माइनस एक्स प्लस वन, तो माइनस हो गया ना, तो यहां पे माइनस, अब एक्स है यहां भी एक्स है तो एक बार ले जाएंगे, यहां पर हो गया माइनस एक्स माइनस वन प्लस प्लस तो कट गया, ये हो गया टू। ठीक है, तो भागफल कितना हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, और शेष फल बराबर दो, ये हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव को आप लोग क्वेश्चन नंबर दो की तरह कर लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर दो हम लोग किए थे ना, क्वेश्चन नंबर दो, अच्छा क्वेश्चन नंबर दो तो डू वाइज था, क्वेश्चन नंबर वन कर लीजिए बल्कि, जैसे क्वेश्चन नंबर वन हुआ था ना, भाग देना है तो सब एक ही विधि पर है, इसलिए मैं एक एक करके छोड़ दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में पी एक्स बराबर सेवन एक्स स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट आठ एक्स माइनस सिक्स था, तो इस अंडर रूट आठ को हम टू रूट टू लिखेंगे ना, चार गुणे दो कर सकते हैं ना, तो चार तो वर्गमूल से बाहर हो जाएगा और दो अंदर रह जाएगा, तो टू रूट टू, टू पहले से है तो फोर रूट टू, यहां पर थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा करके तब यहां पर हमने लिखा है इसे। अब इसमें भाग देना है, पहला पद सेवन एक्स स्क्वायर मेरे पास, इसमें पहला पद भाग, ये कितनी बार ले जाएंगे सेवन एक्स, यहां पर हो जाएगा सेवन एक्स स्क्वायर और माइनस सात अंडर रूट टू एक्स, ठीक है ना, यहां माइनस यहां पर प्लस, ये तो कट गया, तो ये प्लस ये माइनस घटेगा, तो सात रूट टू में से फोर रूट टू घटेगा तो थ्री रूट टू एक्स और माइनस सिक्स, अब कितनी बार ले जाएंगे प्लस, पहला काम तो थ्री रूट टू ले जाएं क्योंकि यहां पे वन है ना, तो इतना बार तो ले ही जाना पड़ेगा, और चूंकि एक्स ही लाना है तो बस इतनी बार ले जाएंगे, यहां मिल गया हमको थ्री रूट टू एक्स और माइनस माइनस, देखिए क्या होगा, तीन रूट टू का गुणा होगा दो होगा, और तीन दो तीन छह, यानी कि छह हो जाएगा माइनस प्लस, यानी कि ये कट गया जीरो हो गया। तो यहां पर भागफल सेवन एक्स प्लस
थ्री अंडर रूट टू और शेष शेषफल जीरो, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन का फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन है, इसमें भी वही भाग देना है, भाग देना, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ये है एनसीईआरटी 2.1 का, एनसीईआरटी 2.3 का क्वेश्चन नंबर वन है, एक्सरसाइज 2.3 है और क्वेश्चन नंबर वन है। तो चलिए भाग देते हैं, एक्स क्यूब है, यहां पे एक्स स्क्वायर है, कितनी बार ले जाना पड़ेगा, एक्स बार, इसमें गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस टू में गुणा करेंगे तो टू एक्स माइनस प्लस, ये तो देखिए कर दिया। यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर आप लोग क्या करते हैं ना, हड़बड़ी में इसको इसी के साथ घटा देते हैं, जोड़ देते हैं, घटाना होता तो घटा देते हैं, जोड़ना होता तो जोड़। हमको बीजगणित में जोड़ या घटाव करते समय सजातीय पदों का ध्यान रखना, सजातीय पद का मतलब कि समान घात वाले पद। अब जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर है, अगर यहां पर एक्स स्क्वायर होता तो हम इसको जोड़ते घटाते, ठीक है, लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स है, तो ये इसके साथ न जाकर के ये इसके साथ जाएगा, इस 5x के साथ, क्योंकि यहां पर एक घात, यहां पर एक घात, तो ये इसके साथ जाएगा, तो प्लस प्लस यानी कि 5x और 2x 7x हो जाएगा, और ये ऐसे ही उतरेगा, तो यहां पर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, ये हो गया। अब माइनस हो गया, माइनस और 3 भी है तो 3 ले जाए इतना, तो माइनस 3x स्क्वायर और इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 6, प्लस 6 इसलिए माइनस माइनस प्लस, यहां पर हो गया प्लस, यहां पर हो गया माइनस, कट गया, ये 6 इसके साथ जाएगा ना कि इसके साथ, इसके साथ नहीं जाएगा, इसके साथ तब जाता जब 6 के साथ x होता, 6 के साथ अगर x होता तो ये 6x 7x के साथ जाता, लेकिन 6 तो ये 3 के साथ जाएगा, तो यहां बचेगा क्या 7x, चूंकि अब 6 माइनस हो गया है, ये भी माइनस तो जुड़ जाएगा 7x माइनस 9, तो यहां पर क्या हो गया भागफल x माइनस 3, शेषफल 7x माइनस 9, ये भागफल और शेषफल लिखते समय ध्यान रखिएगा, इसको भागफल इसको शेषफल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन का सेकेंड पार्ट उसको मैं छोड़ रहा हूं, जिसे हम लोग फर्स्ट पार्ट किए थे तो उसी तरह से है, उसी नियम पर है, तो सेकेंड पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ, थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट का ये क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट आप लोग कर लीजिएगा, डू योर सेल्फ, एनसीईआरटी का ही वो चल रहा है। भाग देते हैं, यहां पर देखिए माइनस है, यहां पर प्लस लाना है, तो पहला काम तो माइनस ले जाना होगा, और कितना एक्स बार फोर लाना है, एक्स स्क्वायर मेरे पास है, एक्स स्क्वायर मेरे पास है, एक्स स्क्वायर में और कितने का गुणा करें कि एक्स पावर फोर मिले, एक्स स्क्वायर का गुणा करना पड़ेगा, तो यहां पर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस था ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इस माइनस एक्स स्क्वायर के जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, कट गया। अब ये देखिए 2x स्क्वायर, ये ध्यान एकदम ध्यान अगर नहीं देंगे इसको तो आपका भाग गलत हो जाएगा, x पावर x स्क्वायर है, यहां पर x है, तो दोनों सब अलग अलग है, तो अलग अलग है तो उनको उन्नति चिन्ह के साथ उसे लिख देंगे, ये प्लस है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, खत्म का। अब यहां पर प्लस है ना, तो प्लस 2x स्क्वायर, सॉरी प्लस तो है लेकिन यहां माइनस है ना, तो प्लस लाने के लिए फिर माइनस से गुणा करना पड़ेगा, और कितनी बार, दो बार,
है ना, तो इसमें गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 2x² माइनस माइनस प्लस और 2 का गुणा करेंगे तो 2x², फिर इस माइनस 2 का इस प्लस 2 में गुणा करेंगे तो माइनस 4। ये कट गया, अब ये प्लस 4 इसके साथ जाएगा तो क्या बचेगा यहां पर, माइनस 5x और प्लस 10, ठीक है ना, ये शेषफल हो जाएगा। हाँ, तो ये भागफल मेरा कितना हो गया, माइनस x² माइनस 2 और शेषफल बराबर माइनस 5x प्लस 10। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, ये पहला बहुपद दिया था, पहला बहुपद ये दिया था, ये दूसरा बहुपद कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग कीजिए, ये दूसरा था ये पहला था, जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, तो प्रथम बहुपद यह इसका गुणनखंड तभी होगा जब इसे भाग दे और हमारा शेषफल जीरो आ जाए, अगर शेषफल जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि गुणनखंड है, अदरवाइज नॉट। तो चलिए भाग देते हैं, यहां देखिए 2t4 है तो पहले तो 2 ले जाना होगा और t² है, t4 लाना है तो t² वाले जाना होगा, तो 2t4 एक, और माइनस इसमें गुणा करेंगे 3 में तो माइनस 6t² माइनस प्लस, ये तो कट गया, ये ध्यान देना होगा यहाँ पे, फिर से मैं बार बार कह रहा हूं, ये नहीं कि इसके सीध में तो फटाक से इसको जोड़ दें, है ना, गलत हो जाएगा, ये t² है ना, इसके साथ ना जाके इसके साथ जाएगा, तो यहां तो हो गया 3t³, ये तो ऐसे उतर जाएगा, ये वाला ये इसके साथ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, घटेगा घटेगा तो ये बड़ी संख्या है तो प्लस लगाएंगे 4t², फिर माइनस 90 और माइनस 12, ये तो शेष इतना उतर गया, अब क्या लाना है 3t³, तो प्लस 3t है ना, 3t का इसमें गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 3t³ और माइनस 3 में गुणा करेंगे तो माइनस 9t, ये माइनस ये प्लस ये कट गया, ये इसके साथ ना जाकर के इसके साथ जाएगा और ये प्लस है और ये माइनस है तो इसका मतलब कि ये और ये भी कट गया, ठीक है, अब यहां पर 4t² माइनस 12, और 4t² लाना है, t² पहले से है तो 4 बार प्लस 4 ले जाएं तो 4 का इसमें गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 4t², ये 4 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस 12, कट गया पूरा, शेष पर 0 हो गया, 0 लिख दें है ना, घटाएंगे तो ये कट गया, शेषफल 0 हो गया, शेषफल 0 है इसका मतलब कि गुणनखंड है, तो यहां आप लिखेंगे हाँ गुणनखंड है, ठीक है जी। सेकेंड पार्ट में भी वही काम करना है, भाग देना है, भाग दे करके चेक करना है, पता करना है कि गुणनखंड है कि नहीं, गुणनखंड है कि नहीं का मतलब कि शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं, अगर शेषफल 0 आ रहा है तो इसका मतलब कि गुणनखंड है, ठीक है, तो 3 पहले 3 फिर एक्स और 4 x² है, x² बार ले जाएंगे, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 3x4, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3×9 x³ प्लस 9x³, फिर इसका 1 में करेंगे तो प्लस 3x², ये हो गया माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये कट गया, अब ये देखिए घटेगा क्योंकि ये x³ x² सीध में है, अब यहां पे सही है तो यहां पर हो गया माइनस 4x³,
यहाँ पर ये भी माइनस जुड़ जाएगा, माइनस टेन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे माइनस फोर एक्स क्यूब, तो पहले पहले बात माइनस फोर कर दें, माइनस फोर का एक्स क्यूब लाना है तो एक्स भी ले जाएंगे, ठीक है। तो अब माइनस फोर एक्स क्यूब, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो चार तीन बारह एक्स स्क्वायर, फिर चार एकम चार माइनस फोर एक्स, तो प्लस 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 हो गया, ये कटा बारह, वैसे ये घटेगा, ये देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो घटेगा टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस दोनों प्लस है जुड़ जाएगा प्लस सिक्स एक्स और प्लस टू टू एक्स स्क्वायर है ना, सिर्फ टू ले जाना होगा, तो दो का इसमें गुणा करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर, फिर इसमें करेंगे तो प्लस सिक्स एक्स और एक में करेंगे तो दो एक कम दो है ना, माइनस 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 जीरो, तो ये लिखेंगे हाँ गुणनखंड है, ठीक ना, ये आंसर हो जाएगा। हाँ थर्ड पार्ट है, आठवां का थर्ड पार्ट ये क्वेश्चन है, ये दूसरा बहुपद है और ये पहला बहुपद है, चेक करना है कि गुणनखंड है कि नहीं। तो x और 5 है, x क्यूब है, कितनी बार ले जाएंगे एक्स स्क्वायर, तभी ना गुणा हुआ, चलिए यहां पर मिल गया हमको एक्स घाते पांच, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो माइनस थ्री एक्स क्यूब, इसका इसमें करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, यहां माइनस यहां प्लस यहां माइनस, ये माइनस और ये प्लस और ये बराबर है, तो ये कट गया और ये कट गया, ठीक है। यहां पर प्लस यहां पर माइनस, ये घटेगा समान घात है, तो माइनस चार में से तीन घटेगा तो एक, एक को तो लिखते नहीं है, तो माइनस एक्स क्यूब और प्लस थ्री एक्स और प्लस वन, माइनस हो गया, एक्स क्यूब है तो इसका मतलब कि हम एक बार ले जाएंगे, तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस थ्री एक्स और यहां पे हो गया माइनस वन, प्लस माइनस प्लस ये कट गया, यही गड़बड़ किया, देखिए अगर ये प्लस होता तो घट करके ये भी जीरो हो जाता, तो हम कहते हैं कि गुणनखंड है, ये शेष बच गया, शेष बच गया ना, तो लिखेंगे अतः गुणनखंड नहीं है। इसी तरह से करना है इसको, बस एकदम सिंपली भाग, एकदम आराम से, बस पहला पद पहला पद पहला पद उसी को काटने का प्रयास करिए, और जैसे यहां पर प्लस है तो यहां भी प्लस लाने का प्रयास करिए, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस लाने का प्रयास करिए, ठीक है। पहले पद को चिन्ह के साथ लाने का प्रयास करिए, घटा दीजिए, पहला पद काटते जाएंगे और सब अपने आप होता जाएगा, कहीं कोई टेंशन नहीं है, एकदम से आराम से रिलैक्स होकर करिए, ठीक।